हे व्हाट्सएप गाइस, तेरे सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको मेरी वॉइस और ऑडियो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और वीडियो भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए यार, मेरी तरफ से तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है। अगर आपकी तरफ बफरिंग हो रही है तो आपकी तरफ नेटवर्क इशू हो सकता है, बट मैंने अभी प्ले करके देखा तो बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। आप इसको प्ले करके देख लीजिए कैसा चल रहा है। तो यार आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सुपर 100 एग्जाम। तो यार आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा सुपर 100 एग्जाम में क्लास टेंथ फिजिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो यार मैं लास्ट ईयर सबसे पहले मैं यार जो बच्चे नए हैं उनको मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम भारत है और मैंने 2018 में सुपर 100 जो एग्जाम हुआ था उसमें पूरे हरियाणा में टॉप किया था। एंड क्लास टेंथ में मैंने 92.4% स्कोर किए थे एंड क्लास प्लस टू में विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम मैंने 94.8% स्कोर किए हैं और मैथ में मेरे दोनों टाइम ही 100 out of 100 मार्क्स हैं। टेंथ में भी 100 और प्लस टू में भी 100। तो यार ये था इंट्रोडक्शन और 2 साल हो गए मेरे को सुपर 100 के लिए बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना और उनको अब कोचिंग देते हुए। तो यार अब मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स के आपके कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यार मैंने कल एक लेक्चर बनाया था, उसमें मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए थे कि भैया आप ऐसे की बजाय हमें ऐसे बता दो कि पूरी फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है, फिर बाद में आप फिजिक्स वन बाय वन आप टॉपिक टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस कर लेना, बट पहले हमें ये बता दो कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है या किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक हमें करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी फिजिक्स जो क्लास टेन की पूरी फिजिक्स है उसमें वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जहां से आपके सुपर 100 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यार सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन सबसे पहले हम लेते हैं फिजिक्स का अपना पहला लेसन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दिस इज योर लेसन नंबर 10, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस लेसन में आपको कुल 4 क्वेश्चन करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। बस इस अपवर्तन यानी कि आपको रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन का पता होना चाहिए, राइट। सेकंड मैंने आपको बताया था मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र, आपको इसमें क्या कहा है इसने दर्पण सूत्र और इसको लेंस सूत्र, तो इनके बारे में भी पूछे जाएंगे। दर्पण दर्पण है लेंस सूत्र, उसके बाद में आपका टॉपिक है फोकस और पावर से रिलेटेड। फोकस को आप फोकस दूरी कहते हो और पावर को आप यहाँ पे कहोगे पावर को कहा गया है क्षमता। फोकस वर्सेस फोकस और पावर से रिलेटेड, जिसे आप हिंदी में कहते हो फोकस कोमा क्षमता। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स
एंड लास्ट एंड फाइनल इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आवर्धन। सॉरी वैल्यू ऑफ एम मैग्निफिकेंस मैग्निफिकेंस यानी कि आवर्धन। जिसमें आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये चार क्वेश्चन है, इसके साथ साथ एक आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कर सकते हो। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी आपको, तो यार उसके लिए मैं माफ चाहूंगा, क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत फेस हो सकती है। बट यार ये चार क्वेश्चन है जो आपको करने हैं 101%, तो ये आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल 101%। राइट, अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन आपका मानव नेत्र व रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, लेसन नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले यार आपको इस क्वेश्चन, मैं लेसन का नाम नहीं लिख रहा, सिंपल इसका नंबर डाल दिया 11 नंबर, ये आपका 11 नंबर लेसन है आपका। तो इसमें यार एक तो आपको मानव नेत्र या ह्यूमन आई कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे कि उत्तली, यूपी, राइट, एक इसको आप करते हो क्रिस्टलियर लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। और यार इसमें आप एक और भी जाते इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कॉर्निया। इस टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं। इन जो भी इसके आगे और कंपोनेंट है, चाहे वो क्रिस्टलाइन लेंस हो या जो भी है, चाहे रेटिना हो, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका वर्क पता होना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यानी कि आपको मानव नेत्र अच्छी तरह से करना है सबसे पहले, तो या उसके सारे कंपोनेंट आपको करने हैं। उसके बाद में यार आपको फिर आती है लेंस, मानव नेत्र में रोग, डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन। इसमें आपको तीन है, हाइटोमायोपिया, मायोपिया एंड योर पेरिस बायोपिया, ये भी आपको करना है। तो इसके बाद में यार आपको रेनबो, इंद्रधनुष, विबग्योर, कौन ज्यादा मुड़ता है, कौन कम मुड़ता है, किसका ज्यादा प्रकीर्णन होता है, किसका कम प्रकीर्णन होता है, वो भी आपको बताना चाहिए इसमें। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए तारों और ग्रहों के बारे में, यानी कि आप इसको कह सकते हो वायुमंडल, इसका नाम भी मैं देखता हूं हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें आपको कई कंपोनेंट मिलेंगे जिसके कारण इसके स्टार भी आ जाएंगे। स्टार क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो ग्रह है अपने, यानी कि जो अपने प्लैनेट्स हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते, एंड हमें जो सूर्य है, सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय हमें रेड क्यों दिखाई देता है, और जो आकाश है अपना वो ब्लू क्यों दिखाई देता है,
ये सभी रीजन, और वाटर है में वो भी ब्लू क्यों दिखाई देता है, इन सभी के रीजन है वो आपको बताना चाहिए। तो इस लेसन में भी अपनी ये चार टॉपिक है जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर आप ये चारों टॉपिक अच्छी तरह से कर लेते हो तो यार आपका ये फिजिक्स का ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में यार हाँ एक बात और बता देता हूँ, जो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने टॉपिक बताए थे पिछले लेसन में लेंस फॉर्मूला, वो उनके न्यूमेरिकल में आने वाली वीडियो में करवाऊंगा। बट यार पहले आपको इनके सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ सभी के, इनके बारे में बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बाद में हम इनके बारे में आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। राइट, अब हम आते हैं लेसन नंबर 12 की तरफ। आपका जो लेसन नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें यार आपको सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, बट उससे पहले भी आपको करंट, विद्युत धारा करंट, इसके सारे यूनिट्स एसआई यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। एंड आप इसको कह सकते हो करंट के आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, करंट के अंदर आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस का भी पता होना चाहिए, बट मेनली आप ये कर लीजिए करंट। उसके बाद में यार आपको आता है ओम्स का नियम, ओम का नियम दैट इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू, आपको पता होना चाहिए जो वी है वो आई आर होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है भाई, डेफिनेशन कम है न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है ज्यादा। उसके बाद में आपको आप इसमें आर को रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध, फिर आपको ये भी बताना चाहिए आर इज इक्वल्स टू रहो एल बाय ए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। फिर आपको प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में, श्रेणी पार्श्व क्रम में यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इनसे पूछे जाएंगे इस लेसन में न्यूमेरिकल, ये आपको जरूर करना है, बाकी आप सारे स्किप कर सकते हो बट ये आपको स्किप नहीं करना है। That is the one of the most important question which gives you very very much score. Next one we will discuss about the most important topic, that will be heating effect, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, maybe तापीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एच इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। फिर यार आपका एक लास्ट में आता है एक टॉपिक आपका विद्युत शक्ति, यहां पे लिखा हुआ इस टॉपिक विद्युत शक्ति या क्षमता, इलेक्ट्रिक पावर। पावर ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पी इज इक्वल्स टू वी आई, ये आपको करना है, और पी इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर भी होता है, और एक और टर्म होती है इसकी वी स्केयर ओवर आर होता है, ये आपको करना है। तो ये टॉपिक्स हैं लेसन नंबर 12 में जो आपको करने हैं, ये टॉपिक आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव लर्न फुली फिल्ड विद क्वेश्चंस। और यार इसके रिगार्डिंग मैं मेडिकल्स भी आपको करवाऊंगा, बट
आप उससे पहले इनको एक बार रीड आउट कर लीजिए ताकि जब मैं आपकी लाइव क्लास लूं तो ये जो जो चीजें मैं आपको पूछूं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए और आपको उनका आंसर भी पता होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे लेसन नंबर 13 की ओर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। लेसन नंबर 13 अध्याय 13 में यार आपको सबसे पहले करना है फ्लेमिंग के जितने भी लॉ है, बाकी आपको इंपॉर्टेंट करना एक तो दक्षिण हस्त अनुष्ट नियम, राइट हैंड थंब रूल, इसको हम कहते हैं दक्षिण हस्त अनुष्ट नियम, दक्षिण हस्त अनुष्ट नियम, ये करना है आपको। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी आप कह सकते हो इनकी आपको विशेषताएं याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग फ्लेमिंग का वाम हस्त, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको वाम हस्त को बायां बायां बोल देते हैं, एंड इन द सिमिलर वे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसको कहते हैं वाम हस्त को दक्षिण हस्त नियम। इसका जो सही बिल्कुल नाम है वो है आपका दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, और इसको हम दायां बोल देते हैं दायां। राइट, तीन टॉपिक, उसके बाद में आपको इस लेसन पे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय, सारे बहुविकल्पीय आपको जिसमें चार ऑप्शन होते हैं, चाहे आपकी वो गाइड हो जो भी आपकी रेफरेंस गाइड है, चाहे एनसीईआरटी हो जो भी आपके बुक है, वो सभी उनसे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं, ये आपको यहाँ पे टॉपिक्स करने हैं सारे। उसके बाद में फोर्थ लेसन है उसमें आप 14 लेसन है उसमें आप कुछ मत कीजिए, उसको आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। कैसे स्किप करना है देखिएगा, 14 लेसन में आपको कुछ नहीं करना, उसका मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, इससे रिलेटेड वाई जो भी आपको आएगा वो आपको जनरल थोड़ा सा होगा, वो आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। बट जो आपका 15th लेसन है उसमें इंपॉर्टेंट है हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट, 15 नंबर लेसन है उसको सबसे पहले आपको आहार श्रृंखला आपको करनी है, आहार श्रृंखला, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फूड चैन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, ये आपको जरूर करना है इस चैप्टर में। उसके बाद में थ्री आर्स नियम, थ्री आर का नियम, थ्री आर रूल करना है आपको। अब तो शायद वो थ्री आर से फोर आर हो गए, आपके एनसीईआरटी में अभी तक 3 आ रही है बट वो जनरली 4 आर हो चुका है, और इसके सारे ऑब्जेक्टिव
हाँ ये दो तीन लेसन है जो लास्ट पे उनके ऑब्जेक्टिव करने आपको जरूरी हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि बहु विकल्पीय सारे करने आपको। उसके बाद में आपका लास्ट लेसन आता है फिजिक्स के ही अंदर है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, उसमें है ये 3R का, बस ये एक चीज कर लेना। कचरा निपटन में वो आता है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भी वो आता है, बस बाकी आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे आपका ये पूरा पूरा आपकी फिजिक्स हो गई है, फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यार आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि आपको एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें से एक भी अगर आपने मिस कर दिया तो यार आपका रिजल्ट मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। उनको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा उनकी, ताकि आपको कहीं पे भी मार्क्स ना कटे। तो एनसीईआरटी आपको पूरी अच्छी तरह से करनी है, राइट। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आई तो बट इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने से आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सकेंगे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।